यू ट्रांसफर अमिर्ची एफएम पर रफ्तार में मैं आपके हम सफर साथी कृष्णील शामिल हो चुका हूँ और पीजी में विदेश में आप जहाँ कहीं पर भी हमें सुन रहे हैं कृष्णील का प्यार आप तमाम दोस्तों तक पहुँचे। हेलो गाइस, मैं हूं डीजे कृष्णील। आप हमें सुन सकते हैं मिर्ची एफएम रफ्तार में मंडे टू फ्राइडे शाम 3 से लेकर रात 7 तक हम आपको रॉक कराएंगे। मिर्ची एफएम इट्स हॉट। अब दिल करता है हाले हाले से मैं तो खुद को गले लगाऊं। नमस्कार डीजे, समाचार दर्शन के साथ रितिका प्रताप। मेथोडिस्ट चर्च ऑफ फिजी ने उस खत पर स्पष्टीकरण प्रदान की है जिसे उनके डिविजनल सुपरिटेंडेंट्स और मिनिस्टर्स को क्रिश्चियन सिटीजनशिप एंड सोशल इश्यूज के सेक्रेटरी द्वारा दिया गया था। आज शाम एक समाचार सम्मेलन में चर्च के जनरल सेक्रेटरी रेवरेंड तेविता बेनी वनुआ ने बताया कि खत में जिन विषयों को उठाया गया है वे चर्च के एनुअल कॉन्फ्रेंस में पास किए गए रेजोल्यूशन पर आधारित हैं। उन्होंने बताया कि खत को इसलिए दिया गया था ताकि रेजोल्यूशंस के बारे में बताया जा सके और ये दर्शाया जा सके कि के विषय नई नहीं है और कुछ समय से चर्च के सोशल पॉलिसी का हिस्सा है। और इस खत की वजह से प्राइम मिनिस्टर वोरेंगे बेनी मरामा ने मेथोडिस्ट चर्च के हरकतों पर सवाल उठाया है। उनके अनुसार इसे डिविजनल सुपरिटेंडेंट्स और मिनिस्टर्स को आम चुनाव से पहले दिया गया था। इस पर स्पष्टीकरण प्रदान करते हुए रेवरेंड तेविता बेनी वनुआ ने बताया कि समाचार माध्यमों के जरिए ही उन्हें इस खत के बारे में पता चला। रेवरेंड बेनी वनुआ ने कहा कि उन्हें इस बात का दुख है कि इस वजह से सरकार के साथ चर्च के रिश्ते में दरार आए हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर फेलिक्स एंथनी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आज एक समाचार सम्मेलन में एंथनी ने कहा कि वे आम चुनाव में पार्टी के खराब परफॉर्मेंस की जिम्मेदारी पूरी तरह अपने ऊपर लेते हैं और इसके फलस्वरूप अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। एंथनी का कहना है कि आज सुबह पार्टी के सदस्यों ने एक सभा की है और उनके आम चुनाव के परिणाम तथा परफॉर्मेंस पर बातें की है। एंथनी ने बताया कि वे छुट्टी पर जा रहे हैं और इसके बाद अपने अगले कदम पर विचार करेंगे। उन्होंने आम चुनाव में भाग लेने के लिए ट्रेड यूनियन मूवमेंट से इस्तीफा दे दिया था। आंदी सिवियंगोरो अब पार्टी की नई नेता है। फाइनेंस मिनिस्टर अय्याज सैयद खयूम को इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का पोर्टफोलियो भी सौंपा गया है। इसकी पुष्टि एफबीसी न्यूज को इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की फेमिनिस्ट सेक्रेटरी शरण स्मिथ जोन्स ने की है। उनके कहना है कि इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को अब डाउनग्रेड करके डिपार्टमेंट कर दिया जाएगा। और खेलकूद में टेलीकॉम फिजाना सेवंस टीम अगले सप्ताह होने वाले ओशनिया सेवंस टूर्नामेंट को दुबई में होने वाले आईआरबी वीमेंस वर्ल्ड सेवन सीरीज के बिल्डअप के रूप में ले रही है। टीम अब सीरीज में एक को टीम बन गई है और अपने पहले टूर्नामेंट में अच्छा खेल दिखाना चाहती है। टेलीकॉम फिजाना के कोच इलियास तानिवुल्ला का कहना है कि वे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसी टीम्स के साथ खेलना पसंद करते हैं जबकि इससे टीम के स्टैंडर्ड का पता चलता है। टूर्नामेंट अगले शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया में शुरू होगा और फिजी अपने पहले खेल में पापुआ न्यू गिनी का सामना करेगा। ये थे आज के मुख्य समाचार। शुभ रात्रि। रेडियो फिजी 2 देश की धड़कन पर आपका स्वागत है। बच्चों की दुनिया में हमेशा की तरह आज भी हम आपके लिए कहानियाँ और कविताएं लेकर आए हैं और बच्चों आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ पल्लवी। रेडियो फिजी 2 देश की धड़कन पर मंडे टू फ्राइडे 3 से लेकर 4 बजे तक बच्चों की दुनिया में और 4 से लेकर 7 बजे तक मस्तानी शाम के सफर में शामिल रहिए मेरे साथ।